तो वहीं कुछ दिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने इंडस्ट्रियल इलाका वर्धमान नगर के लिए 60 लाख स्वीकृत किए थे। आज वर्धमान नगर मोहल्लावासी और भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का अभिनंदन कार्यक्रम रखे थे। वही विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने इस दौरान कहा कि मेरा जोरदार स्वागत वर्धमान नगर के मोहल्लेवासियों ने किया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। 60 लाख का काम जो स्वीकृत किया था वह जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। आज वर्धमान नगर आने का अवसर मिला, इस सामुदायिक भवन में उनके बीच राजनांदगांव का ये वर्धमान नगर निश्चित रूप से एक बेहतरीन कॉलोनी के रूप में विकसित हुआ है। मेरे साथ हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता फूकचंद जी, मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद महापौर रमेश जी, किशन यादव जी और सभी हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ यहाँ पे आए हैं। ये आज का आयोजन विशुद्ध रूप से पारिवारिक आयोजन था। वर्धमान नगर के हमारे साथियों ने, अध्यक्ष ने, सब ने मिलकर आज मुझे स्वागत किया, अभिनंदन किया और यहाँ के विकास में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते मेरी जो भूमिका थी उसके लिए माला पहनाया। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। राजनांदगांव के विकास में राजनांदगांव के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है और वर्धमान नगर और तेजी के साथ विकसित करे उनकी कल्पना है। बहुत सारे काम 50-60 लाख के जो प्रस्तावित हैं वो आने वाले समय में उसकी भी शुरुआत हो गई है।